हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अभिजीत श्रीमनीज ब्लॉग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप फ्री में हार्ट का और नर्व का सर्जरी और किसी भी तरह का ट्रीटमेंट मुफ्त में करेंगे। कोई भी इंश्योरेंस या मेडिक्लेम की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एज पर माई नॉलेज, ये हॉस्पिटल इंडिया का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जिनमें सब कुछ फ्री में, केवल मेडिसिन को बाहर से खरीदना पड़ेगा। आई होप यू विल गेस। यस, कर्नाटक राज्य का व्हाइट फील्ड में श्री सत्यसाई जनरल हॉस्पिटल है, जो बेंगलोर SMBT रेलवे स्टेशन से 14 से 15 किलोमीटर दूर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सत्यसाई जनरल हॉस्पिटल में, यानी श्री सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस, यहाँ पर कौन सा ट्रीटमेंट होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है स्कोप ऑफ सर्विस, सुपर स्पेशलिटीज। सुपर स्पेशलिटीज़ में कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी, यानी वो जो दिल की बीमारी है हार्ट का, और जो किडनी का होता है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसका ट्रीटमेंट भी होता है, सर्जरी भी होता है। मल्टी स्पेशलिटीज़ में जनरल मेडिसिन यानी सब रोग का यहाँ पर इलाज होता है, और पेडियाट्रिक्स यानी वो जो बच्चा होता है उसका, ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी का, जनरल सर्जरी कोई भी तरह का सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स यानी वो जो गर्भवती होता है माँ लोगों के लिए, गायनोकोलॉजी यानी महिला के, ENT यानी नाक कान और गले का बीमारी देखता है, ऑप्थल्मोलॉजी यानी आँखों का कोई भी बीमारी, डेंटिस्ट्री यानी दांतों का कोई भी बीमारी, ये सब ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। मेडिकल एंड पैरामेडिकल ट्रेनिंग, यहाँ पर मेडिकल और पैरामेडिकल का पढ़ाई भी होता है। DNB कार्डियोलॉजी, कार्डियो सर्जरी यानी दिल की वो जो बीमारी होता है उसका यहाँ पर पढ़ाई होता है। न्यूरो सर्जरी, रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी यानी जो कैंसर का रेडियो देता है वो रेडियोलॉजी होता है। एनेस्थेसियोलॉजी, फेलोशिप इन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, कार्डियोवेस्कुलर एनेस्थेसिया, पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी। इसके सिवा BSc नर्सिंग, इमेज टेक्नोलॉजी, परफ्यूशन टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये सब यहाँ पर पढ़ाई होता है। भगवान श्री सत्य साई बाबा का वाणी है लव ऑल सर्व ऑल, और इसके लिए ये फ्री वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया गया है। आप जहाँ का रहने वाला है वहाँ से व्हाइट फील्ड या SMBT बेंगलोर का रेलवे टिकट खरीदे और सीधा पहुंच जाइए व्हाइट फील्ड या SMBT बेंगलोर रेलवे स्टेशन। SMBT बेंगलोर रेलवे स्टेशन आकर आपको आना पड़ेगा व्हाइट फील्ड रेलवे स्टेशन। व्हाइट फील्ड रेलवे स्टेशन अंचल को काडू गोडी कहता है, KADUGODI, काडू गोडी। और एक काडू गोडी में जो बस स्टैंड है उसको कहता है काडूगोडी बस स्टैंड। काडूगोडी बस स्टैंड आके फुट ब्रिज से दूसरी ओर आना पड़ेगा। इस पार है श्री सत्यसाई आश्रम, एक पार आश्रम, दूसरी ओर बस स्टैंड, बीच में व्हाइट फील्ड रेलवे स्टेशन। सत्यसाई आश्रम का सामने बहुत सारा रहने का घर मिलेगा, लेकिन सत्यसाई हॉस्पिटल यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। वो हॉस्पिटल के नज़दीक कोई भी आपका घर नहीं मिलेगा, वो रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। ये आश्रम का इधर रेजिडेंशियल एरिया है, इधर बहुत सारा घर मिलेगा। यहाँ बंगाली लोग बहुत रहता है, इसके अलावा तमिल यहाँ का लोकल लोग और हिंदी बोलने वाला भी रहता है। तो यहाँ जो घर मिलता है वो बहुत चिप कॉस्ट में मिलता है। किराए पे 200 से 1000 रुपया पर डे तक घर मिलता है। बर्तन, ओवन, गैस आपको किराए पर मिलेगा पर डे 10 रुपया, और पीने का पानी आपको खरीदना पड़ेगा। दिस इज द इनसाइड ऑफ कैंटीन ऑफ सत्यसाई हॉस्पिटल बेंगलुरु व्हाइट फील्ड। यहाँ पर 20 रुपया में आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा और
₹30 यानी 30 रुपया में आपको लंच मिलेगा। सत्य साई हॉस्पिटल में मुफ्त में डॉक्टर दिखाने के लिए स्क्रीन पर दिखाया गया नंबर पे आपको फोन करना पड़ेगा और आपका अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। रेलवे टिकट कॉन्फर्म हो जाने के बाद आप कॉल करना और तब आपको एक डेट दिया जाएगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा सुनिए। आपको डॉक्टर दिखाने के लिए जो अपॉइंटमेंट डेट होगा वो आपको एसएमएस करके और मेल करके भी आपको कॉन्फर्म भेजेगा। उसके बाद मेल या एसएमएस का प्रिंट आउट साथ में आधार कार्ड का ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों ही रखना पड़ेगा। दिया हुआ टाइम का 15 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है और गेट में दिखा कर अंदर जाना है। साथ में आपका आधार कार्ड का जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों ही रखना है। पेशेंट के साथ एक आदमी या कोई भी एक व्यक्ति आपका जो आदमी है उसको अटेंडेंस के तौर पर एंट्री मिलेगा। साथ में थोड़ा पैसा रखना पड़ेगा कैंटीन से खाना खाने के लिए। गेट से अंदर जाने के टाइम आपका अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट के साथ आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। गेट से अंदर जाने के टाइम पर आपको एक पिंक कलर का फॉर्म देगा जिसमें नाम एड्रेस पिता का नाम ये सब लिखा रहता है, तो इसको फिलअप करना पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं, वहाँ का जो वॉलंटियर्स है ये फॉर्म आपको फिलअप कर देगा। आधार कार्ड से आपका डेटा लेगा, लेकर फिलअप कर देगा। उसके बाद रिसेप्शन पर आपको एक डिजिटल कार्ड बना के देगा, ये भी पिंक कलर का होगा। और ये जो डिजिटल कार्ड है छोटा कार्ड, ये आपका लाइफ टाइम का कार्ड है, इसको मत खो देना यानी नहीं हराना है आपको। ये कार्ड हो जाने के बाद रिसेप्शन से आपको बोला जाएगा आपका वो जो बीमारी है उसको कौन से बिल्डिंग पर कौन से काउंटर पर दिखाना होगा। तो आपको उस काउंटर में ही जाना है और ये भी बोला जाएगा कि आप वो काउंटर में जाने के पहले कुछ नाश्ता वास्ता कर लीजिए कैंटीन से। कैंटीन से 20 रुपया में आपको इडली मिलता है, बहुत अच्छा टेस्ट है, मैंने खाया। और इसके बाद काउंटर में जाके आपको वो कार्ड दिखाना पड़ेगा। काउंटर से आपको बोल देगा कौन सा रूम में जाना पड़ेगा और कौन सा टेस्ट होगा। सब टेस्ट फ्री है और वो रिपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ का जो कंप्यूटर है, हर डॉक्टर का टेबल में एक कंप्यूटर है, वहाँ पर आपका रिपोर्ट चल जाता है। तो इसके बाद आपको फिर से डॉक्टर का जो रूम है वहाँ का जो लाइन है वहाँ पर बढ़ना पड़ेगा। फिर आपको डॉक्टर दिखेगा। डॉक्टर दिखाने के टाइम पर आपका साथ जो अटेंडेंस है, आपका जो व्यक्ति है, उसको भी अंदर आने का परमिशन है। तो आप दिखाएंगे क्या क्या होता है बोलेंगे, तो डॉक्टर उसके बाद आपको वो मेडिसिन लिख देगा, वो भी कंप्यूटराइज्ड आपको वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मिलेगा। इसके बाद आपको मेडिसिन बाहर से खरीदना पड़ेगा, और नहीं तो आपका अगर सर्जरी का कोई इलाज है तो आपको एडमिशन कर लेगा। सभी फ्री में है। कैंटीन से 30 रुपया में लंच मतलब दोपहर का खाना भी मिलता है। चावल और रोटी दो ही रहता है, सब साउथ इंडियन खाना है। खाना का टेस्ट बहुत अच्छा है। चाय भी मिलता है 10 रुपया में, मॉर्निंग और आफ्टरनून के टाइम पर चाय मिलता है। सत्य साई हॉस्पिटल टोटली ट्रस्ट पर चलता है और यहाँ सब कुछ फ्री में, किसी को पैसा नहीं देना है। और आगे हो जाने के लिए और या कि शॉर्टकट मारने के लिए किसी को भी, कोई स्टाफ को भी कुछ भी पैसा नहीं देना है। ऐसा गलती मत करना। ऐसा गलती अगर आपने किया तो आपको बाहर भेज देगा। कोई भी ऑपरेशन यानी सर्जरी टोटली फ्री है, और फ्री होने के बावजूद भी ये हॉस्पिटल जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो कोई भी सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल और कोई भी सुपर स्पेशलिटीज नर्सिंग होम से भी आगे है। डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, लोकल लैंग्वेज तो चलता ही है, साथ में इंग्लिश हिंदी वो भी चलता है। और डॉक्टर का वो जो बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ का जो इन पेशेंट रहता है उसके साथ भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। सिर्फ बाहर से मेडिसिन खरीदना है यही है, और आपके साथ जो आदमी रहेगा उसको टाइम टाइम टोकन बनाना पड़ेगा कैंटीन पर। अगर आपको ऑपरेशन के लिए रहना है तो वहाँ पर एक आदमी आपके साथ रहेगा, तो उसको कैंटीन से जाकर खाना के लिए टोकन
कर लेना है और कैंटीन में जाके खा लेना है। और पेशेंट जो एडमिशन रहेगा उसका तो आपका जो खाना सब फ्री है, ट्रीटमेंट भी फ्री है, कोई भी बेड भाड़ा यानी बेड का जो पैसा देना पड़ता है वो भी नहीं देना पड़ेगा, यहाँ टोटली फ्री है और सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर चलता है। तो आई होप मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया, आपका अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट पर ज़रूर ज़रूर लिखना, मुझे पूछना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करने का। मैं बंगाली हूँ तो बंगाली होने के लिए मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, तो इसके लिए मैं समझ जाता हूँ। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे दूसरी कोई वीडियो पर।